Hello, my dear friends. My name is Sachin, and I welcome you. I welcome you back to Muscle Masters by Sachin Goli. And before starting this video, I just want to thank you, my dear friends. I just want to thank you from bottom of my heart. जो भी आप चैनल को इतना प्यार देते हैं, जो भी आप चैनल के अंदर इतने आपके WhatsApp messages आते हैं, इतनी आपकी WhatsApp inquiries आती है, and hope by now you guys will be receiving all the rewards of जो भी आपको WhatsApp messages आप हम लोगों को भेजते हैं, जो भी queries आप लोगों की हम लोगों के पास आती है. और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जिम सेटअप के ऊपर, अगर आप भारत के अंदर एक जिम सेटअप करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल, ओनली चैनल, माय डियर फ्रेंड्स. अगर आपने मेरा पुराना कोई वीडियो नहीं देखा जो कि जिम सेटअप के ऊपर है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज है. मैं कह रहा हूँ इसलिए इंफॉर्मेटिव नहीं है, आई लीव इट अप टू यू. आप जाइए, एक बार सारे वीडियोज देखिए. आपको अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टूडे. एंड इट इज अगेन वन ऑफ द वीडियो रिक्वेस्टेड बाई यू ओनली. हमारे पास, हमारे वेयर हाउस के अंदर जब आप लोग मशीन लेने आते हैं, एंड ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है कि सर, प्री जो हम मशीन्स परचेस कर रहे हैं इस टाइम पे, इसके अंदर हम प्लेट लोडेड मशीन्स परचेस करें या हम लोग पिन लोडेड मशीन्स परचेस करें. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड ये प्लेट लोडेड मशीन्स होती क्या है. सबसे पहली बात तो प्लेट लोडेड मशीन्स वो मशीन्स होती है जिसके अंदर आप प्लेट्स को लोड करते हैं, आप प्लेट्स को डालते हैं, और प्लेट्स के थ्रू ही उनका मैकेनिज्म काम करता है. एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द प्लेट लोडेड मशीन. आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये एक प्लेट लोडेड मशीन है, एंड लैट पुल डाउन है ये, और इसके अंदर आप साइड से प्लेट डालेंगे तो ये काम करेगा. एंड द सेकेंड मशीन विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट टूडे इज द पिन लोडेड मशीन. आप देख पा रहे हैं ये पिन लोडेड मशीन है, ट्रेडिशनल मशीन है. आप लोग जिम जाते हैं, आप लोगों ने मशीन्स बहुत पहले भी देखी होंगी. पिन लोडेड मशीन है, इसके अंदर हम पिन डालते हैं और पिन से इस पूरी की पूरी मशीन्स का मैकेनिज्म काम करता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू मी वेरी ऑफन, एक प्लेट लोडेड मशीन है जिसके अंदर आप प्लेट्स लोड करते हैं, एक पिन लोडेड मशीन है जिसके अंदर आप पिन के थ्रू, उसका जो वेट मैकेनिज्म है वो पिन के थ्रू काम करते हैं. तो ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है कि एक प्लेट लोडेड मशीन परचेस की जाए या एक पिन लोडेड मशीन परचेस की जाए. सो माई डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी, अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लेट लोडेड मशीन ली जाए या पिन लोडेड मशीन ली जाए, तो मेरी खुद की कोई फेवरेटिज्म नहीं है. ना मेरे को प्लेट लोडेड मशीन बहुत पसंद है, ना मेरे को पिन लोडेड मशीन बहुत पसंद है. दोनों मशीन्स की अपने अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं, अपने अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं. अभी किस तरीके से इसके एडवांटेजेस क्वालिटीज़ डिफर करती है एक दूसरे से, तो आइए आने वाले 6 मिनट में 7 मिनट में ये डिस्कस करते हैं. वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और अगर वीडियो नहीं पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि ऐसा क्या रहा है जो ये वीडियो को हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए बना सकते थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेट लोडेड मशीन्स फर्स्ट. नाउ अगर आप किसी भी जिम के अंदर जाते हैं या कोई भी जिम सेटअप होता है, तो उसके अंदर कुछ मशीन्स बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरली प्लेट लोडेड होती हैं, और बाय डिफॉल्ट बाय स्ट्रक्चर कई मशीन्स पिन लोडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल अगर मैं बात करूँ एक लेग प्रेस की, या ट्रेडिशनली मैं बात करूं एक स्मिथ मशीन की, तो ये किसी भी हालत के अंदर पिन लोडेड नहीं हो सकती, ये हमेशा से हमेशा प्लेट लोडेड ही रहेगी. लेग प्रेस हालांकि पिन लोडेड के अंदर भी आती हैं, ट्रेडिशनल मशीन नहीं है वो, अभी आजकल में आना शुरू हुई है. मैट्रिक्स जैसी कंपनी भी वो बनाती है, लाइफ फिटनेस जैसी कंपनी भी वो मशीन मैन्युफैक्चर करती है पिन लोडेड लेग प्रेस. लेकिन जो मज़ा आपका प्लेट लोडेड लेग प्रेस के अंदर है, जो मज़ा आपका एक हैवी ड्यूटी प्लेट लोडेड को पुश करने के अंदर है, वो मज़ा आपका पिन लोडेड लेग प्रेस के अंदर नहीं है. सो इन दैट केस प्लेट लोडेड मशीन्स आपके जिम में होंगी ज़रूर. एक लेग प्रेस होगी जिस तरीके से, देन द सेकंड मशीन इज स्मिथ मशीन. माय डियर फ्रेंड्स, मैं फटाक अबाउट स्मिथ मशीन. स्मिथ मशीन का भी कोई भी किसी प्रकार का जो आप मैकेनिज्म आप समझ पा रहे होंगे, उसके अंदर भी किसी प्रकार से पिन लोडेड का मैकेनिज्म नहीं हो सकता. उसके अंदर भी जो मैकेनिज्म है वो प्लेट लोडेड का मैकेनिज्म होता है. उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ टी बार इज अगेन अ मशीन, और यस इट इज़ अ मशीन ओनली, जिसके अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे पास सिर्फ प्लेट लोडेड का ही ऑप्शन होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट एफ आई डी यानी फ्लैट बेंच, फ्लैट ओलंपिक, इंक्लाइन ओलंपिक, डिक्लाइन ओलंपिक, ऑल दिस बेंचेस, इन बेंचेस के अंदर भी जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो बारबल लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्लेट लोडेड का ही ऑप्शन होता है. इसी प्रकार से माई डियर फ्रेंड्स,
इफ आई टॉक अबाउट पिन लोडेड मशीन्स, दीज आर दी मैंडेटरी मशीन्स। इसके अंदर तो कोई चॉइस ही नहीं है कि हम कौन सी मशीन्स ले, ये तो आपको लेनी पड़ेगी। लेग प्रेस आपको लेनी पड़ेगी, स्मिथ मशीन आपको लेनी पड़ेगी, टी बार आपको लेनी पड़ेगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी पिन लोडेड मशीन्स, नाउ पिन लोडेड मशीन्स माय डियर फ्रेंड्स, पिन लोडेड मशीन इफ यू लुक एट द फंक्शनल ट्रेनर इन योर जिम एंड इफ यू लुक एट द क्रॉस केबल इन योर जिम, ये जो मशीन्स है ये मशीन्स किसी भी हालत के अंदर प्लेट लोडेड नहीं हो सकती। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ पिन मैकेनिज्म से ही काम करती है। इनके अंदर एक वेट स्टैक ऑलरेडी डाला हुआ है, ये उसी वेट स्टैक के साथ ही काम करती है। किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेंशन आज के टाइम पे, चाहे वो लाइफ फिटनेस हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो प्रीकॉर जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी ने आज के टाइम पे भी ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं करी जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कशन कर सके कि हमारी जो फंक्शनल ट्रेनर या क्रॉस ट्रेनर कभी भी प्लेट लोडेड के अंदर बन चुका है। Why functional trainer, cross trainer only? If I talk about sitting pec deck, now if I'm talking about this machine, sitting pec deck is only and only available in pin loaded with the weight stacks, my dear friends. And if I talk about the combinatory machines, जितनी भी मेरी combinatory machines हैं, जितनी भी मेरे dual stations आते हैं, for example, एक बहुत ही famous dual station है जिसका नाम है leg extension and leg curl. अगर leg extension and leg curl एक dual station है तो वो किसी भी हालत के अंदर प्लेट लोडेड के अंदर नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक वेट स्टैक के साथ आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक पिन लोडेड स्टेशन ही होगा माय डियर फ्रेंड्स, और उसके अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। ओके, सो बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड, अभी तक आप समझ गए हैं कि जब भी आप एक जिम सेटअप करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है, हमको प्लेट लोडेड लेनी ही पड़ेंगी। लेग प्रेस हुआ, स्मिथ मशीन हुई, टी बार हुआ, टू सम एक्सटेंड मेरे काफ प्रेसेस हुए, ये आपको लेना ही पड़ेगा प्लेट लोडेड। और कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो कॉम्बिनेटरी अगर आप ले रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, डुअल स्टेशंस ले रहे हैं, तो आपको पिन लोडेड लेने ही पड़ेंगे, उसमें फेवरेटिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो पेक डेक हुआ, पेक डेक फ्लाई हुआ, चाहे वो लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल हुआ, ये आपको लेना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फंक्शनल ट्रेनर, क्रॉस केबल, ऑल दिस यू हैव टू बाय पिन लोडेड विद द ऑटोमेटिक वेट स्टैक इन दिस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या एडवाइस देता हूँ कि कुछ मशीन्स है जो जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल लैट पुल डाउन एंड द सेकेंड इज रोइंग। हमारा एक तो लैट पुल डाउन हो गया, दूसरा हमारी रोइंग मशीन हो गई। तो अब इन मशीन्स के अंदर लैट पुल डाउन हो गया, रोइंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल टू सम एक्सटेंड हमारे काफ रेजेस हो गए, देन माई मल्टी प्रेसेस, माई चेस्ट प्रेस, माई शोल्डर प्रेस। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि मैं पिन लोडेड मशीन खरीदूँ या मैं प्लेट लोडेड मशीन खरीदूँ। सो माई डियर फ्रेंड्स, दोनों मशीन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम एक डिसएडवांटेज समझते हैं प्लेट लोडेड मशीन का, फिर उसके बाद हम उसके एडवांटेज समझेंगे, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या डिसाइड करना है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्लेट लोडेड मशीन हेयर इज, जब भी आप एक जिम सेटअप करते हैं तो आप अपने जिम के लिए प्लेट्स परचेस करते हैं, आप अपने जिम्स के लिए 500 किलो, 600 किलो, और कोई बड़े जिम अगर बहुत बड़े लेवल पर जिम खोल रहे हो तो 1000 किलो, 1500 किलो प्लेट्स आप अपने जिम के लिए परचेस करते हैं। अगर आप अपने जिम के अंदर सारी ही प्लेट लोडेड मशीन्स डाल रहे हैं तो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, जो आप 1000 किलो अपने लिए परचेस कर रहे हैं वो सीधा सीधा आपको 3000 किलो अपने लिए परचेस करना पड़ेगा। सीधा सीधा आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, मोर देन इंक्रीमेंट ऑफ कॉस्ट, जो आपकी प्लेट की कॉस्ट है, इंक्रीमेंट ऑफ कॉस्ट आपका सालों साल का मेंटेनेंस इंक्रीज हो जाता है। हैविंग सेड दैट, वेट जो आप खरीदते हैं उसकी एक लाइफ होती है, प्लेट्स जो आप खरीदते हैं उसकी एक लाइफ होती है। अब वो प्लेट्स आपको, आपने अभी खरीदी और फिर 2 साल के बाद वो प्लेट्स दोबारा से आपको चेंज करनी पड़ी, फिर 2 साल के बाद आपको वो प्लेट्स दोबारा से चेंज करनी पड़ी, तो द कॉस्ट ऑफ दीज मशीन्स आर बिट हाई मेंटेनेंस वाइज ऑल्सो, दैट इज वन। एंड सेकेंड, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑल्सो, पहले तो आप मशीन का प्राइस पे करेंगे जो कि एक इक्विवेलेंट है एक तरीके से प्लेट लोडेड पिन लोडेड वेट स्टैक मशीन के साथ, कॉस्ट ज़्यादा पे करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा पे करने के बाद इसके मेंटेनेंस ज़्यादा पे करेंगे। नाउ द सेकंड पॉइंट विच इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग हियर इज माय डियर फ्रेंड्स, दैट वेट स्टैक अगर किसी मशीन के अंदर लगा होता है तो उसका वेट मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके मशीन के अंदर एक पिन लगा हुआ है, ये पिन मैंने निकाल के दूसरी मशीन के अंदर डाल दिया, एक पिन लगा हुआ, ये पिन मैंने निकाल के दूसरे वेट के अंदर डाल दिया, फिर मैंने तीसरे वेट के अंदर डाल दिया, फिर मैंने चौथे वेट के अंदर डाल दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, दैट द मैनेजमेंट ऑफ वेट, द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीज ऑफ द वेट, वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना मेरे लिए बहुत 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 आसान है। हाउएवर,
प्लेट लोडेड मशीन के अंदर अगर मेरे को 5 किलो से 100 किलो लेके जाना है तो मेरे को पहले 5 किलो की प्लेट लोड करनी पड़ेगी, फिर मेरे को 100 किलो दोबारा से लोड करना पड़ेगा, फिर मेरे को 100 किलो की प्लेट दोबारा से उतारनी पड़ेगी, फिर मुझे 5 किलो की प्लेट दोबारा से चढ़ानी पड़ेगी। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मंडे एंड मंडे हैज यू ऑल नो दैट इट इज अ ग्लोबल चेस्ट डे। सब जगह पे ये चेस्ट डे रहता है और दो व्यक्ति चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, एक बिल्कुल बिगिनर है और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रो है, काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है। बिगिनर ने 5 किलो से एक्सरसाइज की, प्रोफेशनल का सेट 2 आया, प्रोफेशनल ने उसके अंदर 100 किलो वेट चढ़ाया, फिर उसने अपना एक सेट मारा, फिर बिगिनर ने वो पूरा का पूरा 100 किलो वेट उतारा, फिर उसमें 10 किलो की प्लेट लगा के अपना सेट मारा, फिर प्रोफेशनल वापस आए, उन्होंने 110 किलो चढ़ाया। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज चेस्ट डे, बैक डे, शोल्डर डे, all these days comes together. So point number one was थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, point number two was fill loaded machines के अंदर अगर आपके पास आपका जिम बहुत बड़ा जिम नहीं है, एक बॉडी पार्ट की 6-6 मशीन्स नहीं है, तो पिन लोड जो आपकी प्लेट लोडेड मशीन्स है, प्लेट लोडेड मशीन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। द वेट मैनेजमेंट इज वेरी 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 डिफिकल्ट माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज द डिसएडवांटेजेस। Now let's understand the advantages of plate loaded machine. Advantage wise, if I talk about these machines, my dear friends, that these machines are biomechanically very strong. For example, आप प्रो हैं या प्रोफेशनल नहीं है, आप मीडियम लेवल पर हैं या आप बिगिनर ही क्यों नहीं है, जब आप एक बेंच प्रेस करने जाते हैं तो यू रियली डोंट अंडरस्टैंड कि जो आपका एल्बो है, एल्बो का जो लेवल है वो चेस्ट से 90 डिग्री होना चाहिए या उसकी जो डिग्रीज हैं वो डाउन टूवर्ड्स होनी चाहिए, उसकी डिग्री अप टूवर्ड्स होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम हैविंग अ बेंच, अ फ्लैट बेंच विच इज ऑलरेडी अ प्लेट लोडेड बेंच, द एंगल इज ऑलरेडी डिफाइंड, आई जस्ट नीड टू पुश अप। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Similarly, when you do rowing, okay, when you do a simple rowing with a cable, you really don't understand where that cable has to go. This cable has to come to your stomach, this cable has to come to your shoulders, this cable has to come to your navel. You really don't know where this cable has to come. चाहे आप प्रोफेशनल हो तो आपको सब कुछ पता रहेगा, लेकिन आप नए हैं या आप एक मीडियम में हैं, आज तक मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इतना समय बॉडी बिल्डिंग करने के बाद कि एक्चुअली में इसकी जो राइट मूवमेंट है उसकी कंप्रेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, माइंड मसल कनेक्शन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। सिमिलरली माई डियर फ्रेंड्स, वेन यू आर डूइंग रोइंग इन अ मशीन विच इज प्लेट लोडेड, द कंप्लीट बायो मैकेनिज्म ऑफ दैट मशीन इज ऑलरेडी सेट, देन यू रियली अंडरस्टैंड दैट वेन यू पुल इट इज गिविंग योर लैट्स the complete concentration, the complete, you know, what you can call this, the complete tension which is required for the muscle. Similarly, अभी हम लोगों ने हैदराबाद के अंदर एक प्रिकॉर का सेटअप भेजा है और उस प्रिकॉर का सेटअप के अंदर आई वॉज लुकिंग एट कि उसके अंदर एक शोल्डर प्रेस मशीन था माई डियर फ्रेंड्स, एंड उसके उस सेटअप के अंदर तो इट इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ, यू नो, व्हाट यू कॉल दिस, प्लेट लोडेड एंड पिन लोडेड। ओके, सो PL plate loaded series के अंदर उसका shoulder press था, I was doing the shoulder press of that, okay? And let me tell you, the shoulder press is so beautiful, the complete press of the shoulder is happening so beautifully in that pre-core machine. So that is the only benefit of having this plate loaded machine, that the biomechanic of the complete biomechanic is completely set, my dear friends. You need not to set any biomechanic, you need not to have कि ये हाथ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, किधर जाएगा। So that is the real benefit of having this plate loaded series. So guys, you are the one who need to decide what is my suggestion, my dear friends. My suggestion is very simple. My suggestion is that, you know, अगर एक जिम आप खोलना चाह रहे हैं जो कि एक मिक्स पॉपुलेशन के लिए है, जिसमें आप जाते हैं कि एजड लोग भी आएंगे, बच्चे लोग भी आएंगे, प्रोज भी आएंगे, then your machines need to be mix of both plate loaded and pin loaded weight stacked machines. And most of the machines, zyada se zyada machines jo aap purchase karenge my dear friends, wo aap purchase kijiye pin loaded. हाँ, अगर आपके budget zyada hai aur aapke paas secondary station lene ka option hai, फॉर एग्जाम्पल, इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक मल्टीप्रेस मशीन है, मल्टीप्रेस मशीन में आप 3 एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्ट्रेट चेस्ट, इंक्लाइन टेस्ट, इंक्लाइन स्ट्रेट, इंक्लाइन एंड शोल्डर, ये 3 प्रेस आप एक मल्टीप्रेस मशीन के अंदर मारते हैं। अगर आपके पास बजट्स है और आपके पास जगह है जहाँ पे आप एक शोल्डर प्रेस हैमर यानी कि प्लेट लोडेड और एक चेस्ट प्रेस प्लेट लोडेड ये आप ले सकते हैं,
तो आप इसको एज अ सेकेंडरी और एज अ थर्ड मशीन ले सकते हैं। नॉर्मल रोइंग आपके पास है, आपके पास बजट्स है, क्या आप एक रोइंग प्लेट लोडेड भी ले सकते हैं? तो आप इसको प्लेट लोडेड जरूर से लीजिए। प्लेट लोडेड का अपना अलग मजा है, लेकिन पूरा जिम सिर्फ प्लेट लोडेड से सेट कर देना, ओनली एंड ओनली प्लेट लोडेड से सेट कर देना, आई डोंट थिंक सो इट इज अ गुड चॉइस माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, सो प्लीज गिव मी थम्स अप, ओके? एंड इफ यू डोंट लाइक दिस वीडियो, टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्या हुआ कि आपको ये वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते थे जो कि आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छा बना सकता था। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। मंडे से यानी कि 17 तारीख से हम लोग इस हेल्पलाइन के ऊपर दोबारा से काम चालू कर रहे हैं, सो कीजिए, व्हाट्सएप करते रहिए, कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस, कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेरीज, एंड वी विल एट मसल मास्टर्स विल सेट अप योर जिम। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, लव यू।